हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल खिलाड़ी ट्रेवल में। आज का हमारा व्लॉग है हरिद्वार का, जो कि अपने उत्तराखंड में है। अभी लालगढ़ है, लालगढ़ से हरिद्वार जाना पड़ेगा क्योंकि हरिद्वार की ट्रेन लालगढ़ से है, तो अभी लालगढ़ आ गए, लालगढ़ से जाना पड़ेगा हरिद्वार। और साथ में भाई इसके अपना पंकज आया है, दोस्त है। और वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बहुत मस्त रहने वाला क्योंकि हरिद्वार की बेस्ट ब्यूटीफुल जगह आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हम ज्वालापुर पहुंच गए। ज्वालापुर से अब हरिद्वार अपना 15 किलोमीटर दूर है, वहां जाकर वहां का व्यू बताएंगे जल्दी। तो फाइनली गाइस हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। आपको जैसे कि वीडियो में बताया था हरिद्वार का व्यू, वो भी हरिद्वार पहुंच गए हैं, अब आगे का व्यू आपको बता रहे हैं। फ्रेंड्स यह है हरिद्वार का ब्यूटीफुल व्यू, और अभी उधर गंगा नदी के पास में जाएंगे और वहाँ का भी व्यू बताएंगे। ये हरिद्वार का स्टेशन है, स्टेशन को पकड़े। तो गाइस यह है हरिद्वार, हरिद्वार के स्टेशन का मेन ये भगवान शंकर की मूर्ति लगी हुई है। फ्रेंड्स हम लोग अभी हरिद्वार में आकर अब होटल के रूम में आए हैं। ये होटल में रूम लिया था, अच्छा रूम है। ये पंकज बैठा है साथ में, रूम बहुत लेटेस्ट है। इसका पर डे का 2000 रुपये, मतलब 2000 चार्ज करेगा वो, बढ़िया रूम। अभी यहाँ से क्या है, नहा धोकर उधर जाएंगे गंगा नदी की तरफ और वहाँ जाकर वहाँ का व्यू बताएंगे, बढ़िया व्यू होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें ना, बने रही वीडियो। फ्रेंड्स हम लोग अभी जा रहे हैं वो गंगा नदी की तरफ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टेशन से जाना चाहो गंगा नदी की ओर, तो ऑटो में भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग वैसे अभी पैदल ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है गंगा नदी में अंदर जाने का साइड रास्ता, एंट्री यहीं से होती है एंट्री। ये गंगा नदी का मेन ब्रिज है और ये इधर घाट पर जाने का मेन रास्ता भी यही है। तो फाइनली फ्रेंड्स आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं नज़ारा, यही है हरिद्वार का मेन नज़ारा, मेन माँ गंगा इधर नीचे ब्रिज, और ये खूबसूरत सा नज़ारा। और ये साथ में दोस्त पंकज, बहुत ही अच्छा नज़ारा है भैया, ब्यूटीफुल। आगे और चलते हैं आगे वहाँ का देखते हैं। अभी फ्रेंड्स जो ऊपर पहाड़ के ऊपर दिखाई दे रहा है मंदिर, वो मनसा माता का मंदिर है। वहाँ जाने के लिए ऊपर डोलियाँ लगी होती है तार के सारे, उड़न कटोले उनको बोलते हैं, उन्हीं से जाना पड़ता है। अभी थोड़ी देर में जाएंगे वहाँ का व्यू दिखाएंगे।
फ्रेंड्स अभी क्या है, कोविड चल रहा है, कोविड के कारण इतने क्या है, घर द्वार में अभी बहुत कम यात्री आ रहे हैं। अभी देखिए घाट से भी घाट अभी सूंधे पड़े हैं, बहुत कम आ रही है कोविड के कारण, और साथ ही साथ ठंड भी इधर ज़्यादा है, यही कारण है कि यहाँ पर अभी बहुत कम पर्यटक आ रहे हैं। फ्रेंड्स वो महादेव की मूर्ति अभी वहीं जा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अभी वो भगवान शंकर की मूर्ति देखेंगे, बहुत बड़ी मूर्ति है और बारिश भी आने लग गई है, ठंड बहुत तेज पड़ रही है अभी इधर, मौसम एकदम बिंदास मौसम एकदम मस्त बना हुआ है, देखिए बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ है। बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी है इधर, हालत खराब कर रखी है, लेकिन मौसम बहुत मस्त है। पंकज कैसा लगा हरिद्वार देर को? नहीं बहुत ठंड है यार। मस्त है या नहीं? बहुत बढ़िया मस्त है ना। मेरा ये सेकंड टूर था, एक बार पहले आ चुका हूँ, लेकिन उस टाइम क्या है कि ये वीडियो का काम नहीं था, और वैसे भी आए थे जल्दबाजी में, रुके नहीं थे, निकल गए थे। इस बार क्या है, थोड़ा प्लान भी एक दो दिन रुकने का है, इसके बाद वो कल सुबह तो वैसे भी मंसूरी जाना, मंसूरी वहाँ पर वो अभी बर्फबारी हो रही है ना, वहाँ जाएंगे। अरे बाबा फ्रेंड्स ये महादेव मूर्ति, तो फ्रेंड्स महादेव की मूर्ति अब देख ली, अब वो मनसा माता के मंदिर के ऊपर चलेंगे, वो उस डोली में चलते हैं, वहाँ का वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं, लेटेस्ट व्यू है, चलते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब हमारा टूर है मनसा माता का, पहाड़ के ऊपर स्थित एक मंदिर है खूबसूरत, वहां चले। फ्रेंड्स ये वो ट्रॉली है, ट्रॉली के इसमें ऊपर बैठकर हम लोग जाएंगे मनसा माता में, यही वो ट्रॉली जो पहाड़ के ऊपर आपको दिखाई देना चढ़ते हुए, वो ट्रॉली। हाइट बहुत ज्यादा है, स्पीड भी बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग इस ट्रॉली से ऊपर तो आ गए मनसा माता के मंदिर में, अभी मंदिर के दर्शन करेंगे।
थोड़ी सूखा नारियल होता है। ये माता के वो फूल चढ़ते हैं। दर्शन का दादा वो पूरा हो गया है, मनसा माता का हमने दर्शन कर लिया, अब हम नीचे जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, पूरा वीडियो में आपको दिखाया मंदिर, और अब ये ट्रॉली नीचे जा रहा है। यार कितना खतरनाक सीन है, बहुत खतरनाक है। आपका पता नहीं गाइस, लेकिन मुझे ये बहुत मस्त लगा, एकदम बिंदास यात्रा। मैं आपको नीचे का व्यू ये देखिए, नीचे का ये देखिए, नीचे का वहाँ सारे ट्रॉली पीछे सारी है, ऊपर जा रही वापस ऐसे। कमेंट में बताना ज़रूर गाइस कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इस वीडियो में बहुत मेहनत की है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हरिद्वार का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स से चैनल को सब्सक्राइब करो यार सब। और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो और फुल सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।